गरीब फैमिली से हैं, वो नहीं पढ़ा सकते। आधे जगह जा चुके हैं, पुलिस हम लोग को लाठी चार्ज कर रही है, गवर्नमेंट से भी ले जा रही है। पुलिस लाठी चार्ज नहीं जाने से भी करती है, यहाँ आए कोई पुलिस लाठी चार्ज किया, यहीं बेसी ड्रामा करने लगोगे तेरे हो जाएगा। नहीं सर, डिग्री के लिए दौड़ो, एक बार रिजल्ट एग्जाम लेने के लिए दौड़ो, रिजल्ट के लिए दौड़ो, फिर नौकरी के लिए दौड़ो। बिहार में शिक्षा की बदहाली को लेकर आए दिन छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। ये भी कहते हैं कि वो उनका दुर्भाग्य है कि वो बिहार राज्य में पढ़ रहे हैं। बता दें कि कई बार प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन की लाठी डंडे भी इन पर चलते हैं, लेकिन अब मगध यूनिवर्सिटी से जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर आप भी सोचेंगे कि ना जाने कैसी शिक्षा व्यवस्था है कि यहाँ के छात्र आए दिन रोते बिलखते नजर आते हैं। दरअसल कैमरे को देखकर मगध यूनिवर्सिटी की एक लड़की कैमरे के सामने रोने लगी। उसने कहा कि ये उसका दुर्भाग्य है कि वो एक ऐसे राज्य में है जहाँ परीक्षा देने से लेकर रिजल्ट निकलने तक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। बता दें कि उसने कहा कि उसके साथ इतनी ज्यादा ज्यादती हो रही है कि उसका भविष्य अंधकार में है। बता दें कि आज मगध यूनिवर्सिटी के छात्र शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। आप भी देखिए किस तरीके से मगध यूनिवर्सिटी के छात्र कैमरे के सामने रो बिलख रहे। अंततः हार के वो शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंचे, लेकिन यहाँ उन्हें आश्वासन मिला है। इतने का शोषण हो रहा है, ऐसा राज्य 6 साल में भी डिग्री नहीं मिल रहा है। डिग्री के लिए एक बार डिग्री के लिए दौड़ो, एक बार रिजल्ट एग्जाम लेने के लिए दौड़ो, रिजल्ट के लिए दौड़ो, फिर नौकरी के लिए दौड़ो। मगर यही सरकार जो कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। मेरे पास कोई वर्ड नहीं निकल रहा, बस अब हम थक गए हैं। बस मेरा मेंटल स्थिति ऐसा नहीं है कि हम, मेरी माँ बाप एक बहुत गरीब फैमिली से है, वो नहीं पढ़ा सकते, ये सब ड्रामा पॉलिटिक्स। अच्छा, शिक्षा मंत्री ने क्या आश्वासन दिया, कोई आश्वासन दिया आपको? वहाँ जब आश्वासन ही मिल रहा, हम कहाँ जाए, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ पे सब भगा दे रहा है, यूनिवर्सिटी कॉल कर रही, वो लगी कर रही। कौन सा यूनिवर्सिटी है? मगध यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ जब घोटाला उड़ा होता तब ये सब सरकार जो है हुआ था, आज बोल रहा है कि गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का है, वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट भी तो कुछ कर, आप लोग जो संसद के जाते जनगणना करवाने के लिए आज के दैनिक भास्कर में आया, आप लेटर लिखे विजय कुमार चौधरी संसदीय कार्य संभालते, जब आप लेट निकाल सकते हैं तो फिर हम लोग पढ़ाई लिखाई पे क्यों ध्यान नहीं देते हैं? नीतीश कुमार का कहना है कि पास करो तो 50,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, लेकिन बहुत सारे बैठे के लिए बैठे के लिए सर।
साहब पोलिंग नहीं कर सकता हूँ, माता जी को सिटी खेते इतनी लंब मिल नहीं पा रहा, मैं एस एस पी इंटरव्यू में नहीं जा सकता हूँ, मेरे आंखों के साथ सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है सर, कुछ खींचे वरना वो भी मेरा हाथ सर 2017 एक मिनट सर माफी मांगते हैं हम लोग सर, देखिए 2017 से 2017-20 से हम लोग लड़ते हुए इसीलिए मैं सुनते होंगे जो हम अच्छे से सुनते हैं, तुम लोग अच्छे से बोलते नहीं हो, हम दबका रहे हैं, एक एक करके सब बोलो, सबकी बात सुनिए सर, हम लोग का पाँच साल होने जा रहा है कोई मतलब की, और एक बात एक ही बार बोली जाती है, एक ही बात हर आदमी बोलोगे उससे इसलिए और कोई बात नहीं है, और अगर सब बात तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हो कि सरकार हमारे बयान देखे होंगे कितना हम प्रोटेस्ट करते हैं, लोग जो सही ढंग से काम नहीं करते, ये बात जो आप लोग बोल रहे हैं लोग खुद मानते हैं कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं समय पर नहीं होती, अभी भी हम सब कह रहे हैं क्लासेज चाहे महाविद्यालय में हो या विश्वविद्यालय में हो, और परीक्षा कक्षा और परीक्षा ये दोनों समय से हो, इसलिए हम लोग खुद लगे सरकार में, जैसे हम लोग का बोर्ड है बिहार विद्यालय शिक्षा देखो, मैं परीक्षा के समय देश में कई नहीं जितना समय पर बड़ा होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट का आदमी, इसलिए हम लोग अपने गवर्नमेंट का आदमी हम लोग इसको रिप्रूव करना चाहते हैं, अगर अपने प्रदेश के बच्चे परेशान रहेंगे तो सरकार को शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोग देख रहे हैं,